you know, even if I have thought of saying anything on this day, on this occasion, right now I'm totally blank. I'm not here to receive the award for myself, but for the director, Mr. Prakash Jyoti Pradhan, who is also my husband. He couldn't make it to the award, but I'm here. And it is our debut film, The Mannequin. We are independent filmmakers, and trust me, I have seen the trailers for all these films, and I'm so glad that we could make it, you know, as the in the selection in the short film category, and also my husband has been awarded. So it's a real honor. Thank you from Yore Studios. Thank you on my behalf. I'm Shravanti Bhattacharji Pradhan. I'm also the producer of the film, and thank you on behalf of the director of Mannequin, Mr. Prakash Jyoti Pradhan. Thank you so much. Indie filmmaker, we face many challenges like funding, marketing, etc. Yet we have passionate about filmmaking and storytelling, which motivate us to create films. And this kind of platform are a great help of us. And I would like to dedicate this award to all real heroes, real Krishnas, who not only respect women, but also try to rescue many victims of human trafficking. Because this is this story is based on a real story of a real victim of human trafficking. Of a tribal woman of Assam. So I would like to dedicate to all real Krishnas of this world, so who always try to make this art safe for all women. Thank you all. प्रेरित करता है कि हम और अपना विजन बनाए, अपने मन का विजन बनाए और अपने मन की बात आप लोगों तक कैसे है. थैंक यू. Thank you very much. I think this is our 15th award in last 4 months. Oh yeah! National, international, and every corner of India. Yeah. I would like to request my colleague Majid Kohli to say a few words. Might be a few words only. Friends, this film, especially the Bisau Ki Mook Ram Leela, there's a town, a small town in Jhunjhunu district, Bisau. वहाँ पर 170 साल से 170 years एक रामलीला होती है जिसमें कोई डायलॉग नहीं होता और सड़क पर होती है जिसे दंगल कहा जाता है. 250 फीट लंबी सड़क वहां पर ही रामलीला होती है. मुखोटे वहीं लोकल आर्ट, कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, लोकल सिटीजन वहां कर ये रामलीला करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है. तो मंच वहां बनाए जाते हैं, कोई 15 दिन तक रामलीला चलती है. हमने वहां जाकर 15 दिन शूटिंग की, 6 कैमरा, ड्रोन, 150 घंटे का फुटेज से 72 मिनट्स का हमने एडिट करके फिल्म बनाई है. तो दैट इज द अचीवमेंट. इसमें जो वॉइस ओवर और लिरिक लिखने का मुझे सौभाग्य मिला मेरा रहा, अनुप जलोटा जी, अनुराधा पटवाल जी इन्होंने गाए हैं, कुलदीप सिंह जी का इस पर म्यूजिक है, जसविंदर. तो दैट्स ए इस फिल्म को सब लोगों ने सराहा है. हम चाहेंगे कभी ना कभी हम आपके लिए शो रखें बिसाव की मूक रामलीला. थैंक यू वेरी मच. क्या बात. थैंक यू वेरी मच राकेश. बेसिकली ये भला मानुस एक मराठी फिल्म है, इसमें मैंने बीइंग एन एक्टर काम किया है और ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोड्यूसर टीम आई एम टेकिंग दिस अवार्ड एंड आई वुड लाइक टू गिव माय बेस्ट विशेस टू एवरीवन हियर हु आर प्रेजेंट हियर एंड गेटिंग द अवार्ड. हार्टली थैंक्स टू मोहनदास सर, श्री राजनी सर एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिन्होंने ये अवार्ड फंक्शन किया और मेरी मराठी मूवी को भी सराहा. तो मैं चाहता हूँ यहाँ की सरकार
जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या साउथ इंडिया की गवर्नमेंट हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, वो भी नॉर्थ ईस्ट की फिल्मों को सराहे, अपने फिल्म फेस्टिवल में नॉर्थ ईस्ट की फिल्मों को भी प्रोत्साहित करें, उनको पुरस्कृत करें, उनको अवार्ड दे। और नॉर्थ ईस्ट बेसिकली इंडिया का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। तो जिस तरीके से मोहन सर और शिराज सर और पूरी टीम ने इस अवार्ड फंक्शन को किया, मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट या गुजरात सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी अपने फिल्म फेस्टिवल्स में जैसे महाराष्ट्र को गुजरात की फिल्मों को भी अवार्ड देते हैं, वो वैसे ही नॉर्थ ईस्ट की सेवन सिस्टर्स एंड वन ब्रदर वहाँ की फिल्म मेकर्स को भी अवार्ड दे और अपने फिल्म फेस्टिवल बुलाए, उनका सम्मान करें। थैंक यू अग्रेन, थैंक यू सर। भीमराव पट्टे बहादुर गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने मराठी फिल्म बनाई है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस कोई मुझे कोई इसका कोई मालूम नहीं था, पिक्चर लाइन ही नहीं मालूम। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनकर ये फिल्म जो बना है, शुरू में बहुत तकलीफें हुई लेकिन फिल्म अभी इतनी सक्सेस हुई कि सुपर हिट चल रही है और 11th वीक में भाई यहाँ के ऑर्गेनाइजर को बधाई देता हूँ और थैंक्स करना चाहता हूँ हमारी पूरी टीम से। और मोस्टली सर ने हमें बहुत कोऑपरेट किया है, उसका मैं ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। फॉर एवरीबॉडी माइक ऊपर कीजिए। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, दिस इज माय फर्स्ट मूवी एंड दिस इज माय एज अ डायरेक्टर एंड दिस इज फर्स्ट अवार्ड। क्या बात। थैंक्स टू माय होल टीम, स्पेशल माय सिंगर्स, ये टीम मेंबर्स जो मेरे इतने करीब खड़े हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे एज अ डायरेक्टर। माय जर्नी स्टार्ट फ्रॉम दैट एज अ कोरियोग्राफर और मुंबई बहुत टाइम किया, सर ने भी बहुत हेल्प की मुझे, बिकॉज आई एम हियर टुडे बिकॉज ऑफ हिम और ये टीम, और मैं इनकी वजह से आज मैं मेरा एक और प्रोजेक्ट बहुत जल्दी विद अ फोर मूवीज आई एम गोइंग टू अनफ्लोर। फर्स्ट मूवी सनसनाहा 70% शूट इज कंप्लीट एंड सेकेंड मूवी इज द ट्रैप, थर्ड मूवी इज नेगोशिएशन एंड द बिग मूवी इज कमिंग अप स्ट्रीट लाइट। Thank you so much. Thank you. Unfortunately, I'm not Mr. Mahanta, but I'm here on behalf of him, and he's so grateful for the Northeast India Film Festival, and he's so happy to be awarded in this stage, and congratulations to Northeast India Film Festival for its second edition. Thank you. ये हमारी छोटी सी कोशिश थी एज अ स्टूडेंट फिल्म मेकर। मैं विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल में भी पढ़ रहा हूँ, आई एम डूइंग माय मास्टर्स, सो दिस वाज एक्चुअली अ स्टूडेंट प्रोजेक्ट एंड अवार्ड मिल गया तो उससे और बेहतर फिल्म बनाएंगे। थैंक यू। आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस फिल्म टू अ प्रोटैगनिस्ट लानुकॉम आउ, अ टेरिफिक टैलेंट फ्रॉम Nagaland, who we unfortunately lost before time. Lanakum's performance in this film is, like, in my personal opinion, beyond like great, because he perfectly captures the blight and the angst of Northeasterners facing racism across the country. And I hope wherever he is, he's very happy with the film, and he lives on forever through this film. Thank you. This is my debut song. Probably पहचान ही रहे होंगे, मैं एक्टिंग करता हूँ बेसिकली, प्राइमरी मैं एक्टर। यस, बहुत सारे बाथरूम सिंगर्स होते हैं, मैं भी, लेकिन ऐसे मेरे जैसे बाथरूम सिंगर्स के लिए ये अवार्ड बहुत मोटिवेटिंग है कि आप बेशक बाथरूम में गाइए लेकिन गाते रहिए और शर्माइए नहीं। बचपन में जब क्रिकेट खेल रहा होते थे ग्राउंड में, तो कहीं किसी घर से रियाज की आवाज़ आती थी सरगम की, तो मैं क्रिकेट छोड़ के वहाँ उस खिड़की पे खड़ा हो जाता था सुनने के लिए। मैं झारखंड का हूँ, जो पहले बिहार में था, आई एम बॉर्न बिहारी। तो कोई निकलते थे बाहर एक्सरसाइज, तो क्या करता है रे, मैं गाना सुनते हैं सर, अच्छा लगता है गाना, बोले हाँ अच्छा लगता है, कुछ सीखा, मालूम नहीं, बोले तो ना भोपाली का और सुनाओ, तो सुना दिया।
तो यार इतना अच्छा तो तुमको याद है, तो सीख तक आएंगे? हम लोग सर पैसा नहीं है, मैंने पैसा मांगे तुमसे, आओ कल से सीखने। तो वो सिखाने लगे और उन्होंने भूषण भी करा दिया प्राचीन कला केंद्र से। लेकिन नाटक करने में उसका साइड इफेक्ट हुआ, प्लेस करता था थिएटर में तो म्यूजिक जानने वाले बड़े कम लोग होते हैं, तो जो म्यूजिक जानता है उसी को पूरा म्यूजिक करना पड़ता है और वो विंग्स में बैठा रहता है। तो वही हाल मेरा हुआ, मेरे घर के लोग आते दो दो महीने का रिहर्सल करने के बाद मेरी शक्ल नहीं देखकर बोले कौन सा दो महीने से रिहर्सल कर रहा था। तो मैं ढुकी तबला हारमोनियम तानपुरा पकड़ के विंग्स में घुसा रहा था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो छोड़ दिया था। तो वही शौक पूरा किया अभी, और ये गाना मतलब अभी हम 100 डेज के लिए टूर पे गए थे US कनाडा, हमारा प्ले है मुगले आजम। तो लास्ट डे बड़े निराश से लॉस एंजलिस में समुद्र किनारे बैठे थे, तो दो चार लाइनें लिखी, तो दोस्त यार जो होते हैं शरारती, अरे राज भाई क्या बात है, बहुत बहुत दो लाइन और, तो दो लाइन करते करते एक पूरा गाना लिखा, एक लाइन गा दिया। तो साथ में एक लड़की भी थी हमारी, प्रोफेशनल सिंगर है रुक्षा मुखर्जी, जो मेरे साथ में सहगायिका है, वही म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। और ये गाना उस समय लिखा था मैंने, तो उन्होंने धुन बना दी, बात खत्म हो गई। यहाँ लौट के आए तो उन्होंने ट्रैक भेजा कि राजेश जी आप इसमें रिकॉर्ड डब कर दीजिए। मैंने अरे मैं कैसे डब करूँ, मैं एक्टर सिर्फ एक्टिंग वाली डबिंग जानता हूँ, फिल्म का नहीं जानता। बोले नहीं मैं करवा लूँगी। से मैंने अच्छा था कि उनका अपना वो स्टूडियो भी था, तो उन्होंने रिकॉर्ड करवा लिया, ये गाना बन गया। और मुझे लगता है कि मेरे इस गाने की वजह से और उसे एक्नॉलेज जिस ढंग से किया जा रहा है यहाँ पर, उससे मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा कि वो गाना रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू। जो फर्स्ट सीजन हुआ था वो हमने नागालैंड में किया था 2022 दिसंबर में, और उस समय हमारा टाई अप था मिनिस्ट्री ऑफ INB, NFDC एंड दीमापुर की जो IPR डिपार्टमेंट उनके साथ था, तो बहुत ग्रैंड था। एंड दीमापुर में हमने दो दिन का कराया था। दिस टाइम दिस इज़ द सेकेंड एडिशन, बट दिस टाइम इट इज़ ओनली अ अवार्ड फंक्शन। हालांकि स्क्रीनिंग में हम लोग अभी फ़िलहाल जो है वी आर शोइंग अराउंड यू कैन से 40 to 50 फिल्म्स विच हैज़ बीन ऑफिशियली सिलेक्टेड। पहले उसका स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद फिर जो कंटेस्टेंट्स हैं जिनकी फिल्में सिलेक्ट हुई हैं और जो विनर्स हैं बेसिकली, तो विनर्स हैं तो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड से इस बार पिक्चर आई है। दिस इज़ अ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इट इज़ नॉट ओनली मेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न फिल्म्स, बट इट इज़ मेंट फॉर ऑल द फिल्म्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड वी गॉट मोर देन 26 फिल्म्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट से तो काफ़ी फिल्में आई हैं। जो विनर्स हैं वो मणिपुर से, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सब जगह से आए हैं। एंड ये अच्छा था कि एक बॉम्बे हमने हब है, बिकॉज बॉम्बे जो है इसलिए हमने चूज़ किए कि बॉलीवुड जो है पूरा मेन फिल्म इंडस्ट्री इंडिया का वो बॉलीवुड है, बॉम्बे है। तो बॉम्बे से अगर हम नॉर्थ ईस्ट को जोड़ते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के जो मूवी मेकर्स हैं, या जो आप असम के पकड़ लीजिए, वेस्ट बंगाल के पकड़ लीजिए, या उस ईस्टर्न साइड के पकड़ लीजिए, उन वो मूवीज़ बना रहे हैं, उनका अवार्ड्स मिल रहा है, नेशनल अवार्ड सब कुछ मिल रहा है, लेकिन एक गैप है बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री एंड नॉर्थ ईस्टर्न फिल्म इंडस्ट्री का। तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप। ये बेसिकली क्या है कि स्क्रीनिंग हमारे सिर्फ प्रोमोज एंड इसके हो रहे हैं, जो कुछ सॉन्ग्स हैं, स्पेशल सॉन्ग्स हैं जो विनर्स हैं। अदरवाइज रैंडमली हमको जो जो एड्स, प्रोमोज, ट्रेलर जो हमारे पास कंटेस्टेंट लोग ने भेजे, कुछ लोगों के नहीं भेज पाए तो वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं। बाकी जिनके जिनके आए हम उनको सब ट्राई कर रहे हैं। ओनली ट्रेलर्स एंड प्रोमोज एंड फ्यू सॉन्ग्स वी आर शोइंग। मूवीज़ का ऐसा था कि हमारी जो ज्यूरी थी, हमारी 5 ज्यूरी मेम्बर्स थे जो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से थे, जो नेशनल अवार्ड विनर्स हैं, कोई प्रेस मीडिया से हैं, तो उन लोग को हमने एक मूवी को 3-3 ज्यूरी में डिवाइड किया, उनको लिंक दिया, वो उन्होंने वो मूवी को देखा, ऑनलाइन देखा, एंड उनके जो ग्रेडिंग हुई है, नंबर्स हुए हैं, उसको फिर करके मतलब जोड़ के हमारे जो चेयरमैन हैं मिस्टर मोहन दास,
सो ही इज लाइक ही हैज मेड द ऑल द कैटेगरीज और ज्यूरी और उनके साथ मिलके फिर फाइनल रिजल्ट्स आउट हुए। सर देखिए जो क्योंकि मैंने बताया कि ऑल ओवर वर्ल्ड से मूवीज़ आई हुई हैं तो जो जो आप आ रहे हैं जिनके जिनका कंफर्मेशन आया है वो अराउंड 36 पीपल हैं। मूवीज़ हमारे पास 150 से ऊपर मूवीज़ आई हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से और हमने अभी जो एट प्रेजेंट आज यहाँ पे अवार्ड्स दे रहे हैं वो 36 अवार्ड्स हम लोग दे रहे हैं जिसमें मोस्टली जो है बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट शॉर्ट फिल्म। हाँ ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास 4 कैटेगरी थी, एक फ़ीचर फिल्म की थी, एक शॉर्ट फिल्म की थी, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की थी और एक म्यूज़िक वीडियो की थी। तो ये 4 में हमने अलग अलग अवार्ड्स रखे हैं बट दिस टाइम वी आर नॉट हैविंग अ स्पेशल अवार्ड फॉर एक्टर्स। तो बेसिकली जो है ये मूवीज़ के ऊपर और डायरेक्शन और बेस्ट स्टोरी और इसके ऊपर ही हम दे रहे हैं। नहीं हमारा फर्स्ट एडिशन में हमारा कोलैबोरेशन था, जैसे मैंने बताया कि हम नागालैंड में जो किए थे वो मिनिस्ट्री ऑफ आइन भी नहीं पूरा स्पॉन्सर किया था एंड NFDC के साथ हमारा टाई अप था। दिस ईयर वी कुड नॉट डू बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस, इवन इलेक्शन टाइम है 2024, बट नेक्स्ट ईयर वी आर होपिंग अगेन कि हम फिर NFDC के साथ मिलकर एक प्रोग्राम करेंगे। ये अभी डिसाइड नहीं कर सकते, बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं कि अलग अलग जगह हम मूव करके हो, इवन गुजरात में वी वेर थिंकिंग, हैदराबाद में वी वेर थिंकिंग टू डू दिस इवेंट, दुबई में भी हम प्लान कर रहे थे बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जाने दिस फिल्म फेस्टिवल इज अ इनिशिएटिव ऑफ फाइन स्टूडियोज एंड दिस इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ फाइन स्टूडियोज एंड अवर फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टर इज रबेका चंगीजा सेमा, शी इज़ फ्रॉम नागालैंड, शी इज़ द वन हु हैज़ बीन वर्किंग इन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री सिंस लास्ट 15 ईयर्स एंड शी इज़ द वन जिसने वहाँ के टैलेंट्स को, वहाँ के एक्टर्स को, वहाँ के सिंगर्स को, अलोबो नागा हो, जॉकी हो, चूजो जोफॉय हो, जो फोर्स टू में एक्टिंग किया, बहुत सी फिल्मों में एक्टिंग किया, वो उनको प्रमोट करती है एंड ये जितना भी इवेंट आप देख रहे हैं ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ रबेका चंगीजा सेमा। देखिए एक फिल्म फ्री वे करके एक साइट होती है विच इज़ अ फिल्म फ्री साइट, आप वहाँ पे मूवी को आप पुट अप भी कर सकते हैं। आप वहाँ वर्ल्ड में मोर देन 8,000 फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं और जो जो फिल्म फ्री वे .com में जो रजिस्टर्ड होते हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू अपीयर इन ऑल दोज फेस्टिवल्स। हमारा लिस्टिंग फिल्म फ्री वे में है, अवर दिस थिंग इज़ NIIFF दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो हमारा लिस्टिंग फिल्म फ्री वे में है। तो अगर आपको फिल्म सबमिट करनी है तो आप वो साइट में जाइए, वहाँ पे नेक्स्ट ईयर जब भी इसका ओपन होगा तो आप वहाँ जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जी जी गैप नहीं, देखिए क्या होता है कि एक रीजनल टच का जो आप चाहे नॉर्थ ईस्टर्न छोड़ दीजिए, आप भोजपुरी लीजिए या साउथ की पिक्चर लीजिए, हर टेरिटरी का अपना एक ऑडियंस होता है। तो ब्रिज द गैप मतलब क्या होता है कि जो मेजर प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े OTT हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, या तो वो बॉम्बे में या साउथ इंडस्ट्री, नाउ वेरी बिग बूमिंग इंडस्ट्री, बट आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट या ईस्टर्न स्टेट्स में देखेंगे तो वो चाहे आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए, चाहे आप ये कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देख लीजिए, तो वो जो बूम जो साउथ में मिल रहा है वो इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं उनका एक टेरिटरी छोटा है, तो उसके कारण ये, तो अब वंस वी हैव अ लाइक टाई अप विद देम कि भाई हमारा यहाँ से यूनिट जाके वहाँ शूट कर रहा है, काफ़ी फिल्में हो रही है, काफ़ी फिल्में वहाँ शूट हो रही है, अरुणाचल में भी हुई थी, सब कुछ हुई थी, तो इन दैट वे लाइक अगर एसोसिएशन रहा तो उनको जो है अपना प्रोडक्ट दिखाने में इजी जाएगा और जो OTT वगैरह आज पूरा मार्केट OTT का है, तो वंस देयर प्रोडक्ट कम्स इन द OTT
तो उनको भी एक लेवल, मूवीज अच्छी बन रही है, मूवी अच्छी बन रही है, बट दे आर नॉट गेटिंग द राइट प्लेटफॉर्म। तो ये हमारी कोशिश है कि इसके थ्रू कुछ बॉम्बे के प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्टर्स, उनके साथ उनका भी थोड़ा सा कुछ कहिए हो जाए। देखिए, हमने एक और इवेंट कराया था लास्ट ईयर जो फेडर रोड में कराया था, वो टोटली NFDC का ही था, बट वी फाइन स्टूडियोज वॉज द ऑर्गेनाइजर फॉर दैट इवेंट। बट ये जो इवेंट है ये फाइन स्टूडियोज का है, एंड जिसके साथ भी हमारा टाई अप होता है हम खुल के करते हैं। एंड इवन दिस फेस्टिवल वी आर नॉट डूइंग द फेस्टिवल इन सच अ वे कि कोई भी छूट जाए। हम लोग हर एक छोटी छोटी फिल्म को हम लोग देख रहे हैं कि यार इसको किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं। तो नेचुरली जब हमारे पास 150-200 फिल्में आ रही हैं तो नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग फॉर समथिंग वेरी बिग। थैंक यू। और सबसे पहले मैं अपने भाई, मेरे दोस्त श्रीराज हेनरी का शुक्रिया कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आमंत्रित किए। इसके पहले भी हम लोग कैडर रोड में बुलाए थे इन्होंने, क्योंकि मैं जा नहीं पाया था, शूटिंग के दौरान रह गया था। इस बार इन्होंने बोले कि इस बार तो 18 तारीख को आना ही है। मुझे भी बहुत खुशी होती है, मुझे मज़ा आता है, और ये आप लोगों का प्यार है जो एक्टरों को, डायरेक्टरों, प्रोड्यूसर, राइटर, ऑल टीम को एक प्रोत्साहन मिलता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उनको लगता है कि भैया और क्या अच्छा कर सकते हैं, आप लोगों के माध्यम से पता चलता है। मेरे 2-3 फिल्में और 3-4 वेब सीरीज़ है, और साथ ही साथ मेरे शीरा जैनरी भाई के भी फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, हम साथ में काम करने वाले हैं। और कुछ स्टोरीज़ मुझे सुनाए हैं शीराज भाई ने, मुझे बहुत पसंद आई। इनकी स्टोरीज़ भी अच्छी होती है, राइटिंग भी अच्छी है, डायरेक्शन भी अच्छा है, मेकिंग भी अच्छी है। तो हम काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और हम चाहेंगे कि साथ में काम करें। धन्यवाद। बहुत खुश हूँ, बहुत एनकरेजिंग है, एंड थैंक यू सो मच टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये बहुत एनकरेजिंग है, ये आगे अच्छा अच्छा काम करने के लिए, और इतने दूर का जो फेस्टिवल यहाँ मुंबई में आए, मतलब ऑर्गेनाइज करने, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इतने लोग आए, इतने सारे फिल्म सेलेक्ट हुए, इतने सारे लोग ने पार्टिसिपेट किए, इतने सारे लोगों को सम्मानित किया गया, बहुत अच्छा लगा। देखिए माहौल देखिए बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आगे भी कुछ अच्छा अच्छा कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करें हर कोई मिलकर, और अच्छी सी फिल्में देखने मिले। Thank you. Yeah, hello. My name is Pearson. I'm from Manipur. I'm a film director. So I'm very being honored here. I got an award for best feature film. So I would like to thank the organizers of the 2nd International India Film Festival. Thank you. Thank you so much. देखिए, कभी भी कोई भी अवार्ड मिलता है तो सबके लिए खुशी की बात होती है। मैं खुद कई बार नेशनल फिल्म अवार्ड के जूरी में, इंडियन पैनोरमा के जूरी में रहा हूँ, और मैं जब मैं उन लोगों को देखता हूँ अवार्ड मिलते हुए, तो मैं उनके चेहरे पे देख सकता था। तो ये मुझे भी आज ये मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का, और हमारी फिल्म 29 मार्च को रिलीज़ हो रही है। और फिल्म को मिलने का मतलब है कि सबको मिलना, पूरे यूनिट को, फिल्म के पूरे टीम को मिलने का अवार्ड मतलब है ये। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने लिए भी और अपनी टीम के लिए भी। और मुझे हमारे जो अभी 29 तो फिल्म रिलीज़ हो रही है 29 मार्च को पूरे देश भर में, तो हमारा उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा है, हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ रहा है। हमें बस इतना ही कहूँगा और क्या, खुश है। थैंक यू सर। 29 मार्च, जैसा कि आकाश सर ने बताया, फिल्म रिलीज़ है, और रिलीज़ से पहले बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिल गया है तो बहुत खुशी है। और इससे पहले भी हम कुछ फेस्टिवल्स में जाकर सर धूम मचा के आए हैं, तो 29 मार्च का वेट है, एंड आई थिंक इट्स गोना बी अ रियली रियल बिग हिट। या थैंक यू। बस 29 मार्च को जाइए, फिल्म देखिए, मजेदार फिल्म। या थैंक यू सो मच। बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म का अवार्ड मिला है भागदत्त द शाइनमैन को। हमारे प्रोड्यूसर एसएन झा सर और एक्टर रमेश चंद्र सर का काफ़ी सहयोग है इसमें, और हमारे स्क्रीन राइटर हैं ये रोशन गड्डी जी, और इन्होंने बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा, और हमारी कहानी बहुत अच्छी थी जिसके वजह से मेकिंग अच्छा हुआ और आज हमें सम्मान मिला है, तो हम आभारी हैं। हौसलों से उड़ान भरी जाती है, आज ये कहावत सही साबित हो रही है। थैंक यू।
ये जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं जो मैंने थोड़ा लो जिसमें होते हैं, उसमें बहुत अच्छा अच्छा आपका मूवीज़ का पार्टिसिपेशन होता है और बहुत क्रिएटिविटी पाया जाता है। हमारा भी एक शॉर्ट फिल्म है वह हम उसमें मैंने दो इस फेस्टिवल में कोई बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं है, बट द पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉट ऑफ गुड मूवीज आई एम सीइंग, आई एम ऑल्सो एबल टू सी लॉट ऑफ गुड क्रिएशंस। एक तो नॉर्थ ईस्ट बोलने से हमारा जो आई एम ऑल्सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता दो आई स्टे इन चेन्नई, तो ईस्टर्न रीजन में क्या द टैलेंट इज़ वेरी गुड, यू हैव लॉट ऑफ यू नो अपॉर्चुनिटीज़। फिल्म इंडस्ट्री इनिशियली यू नो जो ईस्टर्न रीजन में जो सतीश रे मृणाल सेन इनका जो फिल्म दोस टाइम सिनो बेसिकली वर्ल्ड फेमस, तो देर आर अपॉर्चुनिटी वेयर यू नो हमारा उधर अच्छा अच्छा फिल्म इंस्टीट्यूट हो सकता है, फिल्म यू नो प्रोडक्शन हो सकता है एंड स्पेशली नॉर्थ ईस्ट यू गेट द यू नो सीनिक ब्यूटी, सो लॉट ऑफ गुड लोकली ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ स्टोरीज इंस्पायरिंग स्टोरीज जो इंडिया का प्राइड को फॉर मैंने दे के जा सकता है, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड पीपल शुड कम आउट विद लॉट ऑफ पीपल शुड कम आउट टू मेक सम गुड फिल्म्स देयर टेकिंग द लोकल यू नो स्टोरीज एंड दैट वे द फिल्म इंडस्ट्री विल ऑल्सो ग्रो एंड द इंडियन इंडस्ट्री विल ऑल्सो ग्रो। आई हैव ऑल्सो माई एस्पिरेशंस टू मेक अ गुड फिल्म इन कोलकाता, a subject which I have been, you know, the synopsis and the title I have been registering in Bollywood for last 8 years and which is really taking some shape and I want to do a world film, so I am in the process of doing it. Thank you. Second one, but so far so good. I'm actually impressed with the acting and the quality, because a lot of times you see some low budget films and it looks like it was like shot on like some camera from 50 years ago. But these films that I've seen so far, you know, basically the trailers, they've really been like really good quality shooting, good DOPs working there. And again, I'm really impressed with the actors, even though they're probably not big names, or at least names that I don't know. So far, so good. So I think next time, you know, someone should have me in these Northeast films and I can travel to the Northeast like I once did, and we'll do it again. Plus the food up there is really good too. Films and food. I had good films there. I don't think he made any food here, but you know, that would be okay. What else would you like to know? Okay. मेजर इंडस्ट्री अगर हम कहें फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में है तो बॉम्बे में लोगों का आना जाना भी इजी पर हो जाता है एंड वहाँ तक सिर्फ लोकल से किया, तो एक बार ये अल्टरनेट हमारा चलता रहेगा शायद हम वहाँ पर टूरिंग करें यहाँ पर अवार्ड करें या वाइस वर्सा। सपोर्ट मिले ना मिले वो तो और बात है, लेकिन फेस्टिवल जो स्पेशल और जो जुनून से हमने स्टार्ट किया था वो चालू रहेगा और इसे आगे ले जाना है एंड ये तो जैसे शुरुआती बट नेचुरली बोलते हैं ना शुरुआत के फर्स्ट स्टेप में इनिशियली इश्यूज तो आते हैं, कुछ टीजन प्रॉब्लम आते हैं, बट ये सफर उठने वाला है। इंटरनेशनल जूरी में से हमारे पास यू हैव ईरान की सना नरोज जी है, प्लस और भी है, इंडिया से भी है मंजू बोरा जी जो कि नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, अनुषा श्रीनिवासन अय्यर जो कि मिट्टे वगैरह में जर्नलिस्ट एंट्री की है, तो
ब्रांड मेकर भी है एंड पीआर का काम भी ज़्यादा करती है. प्लस वी हैव मैनी अदर्स ऑल्सो एंड नेक्स्ट ईयर इनफैक्ट हमारा प्लान भी है टू ब्रिंग इन और इंटरनेशनल जूरी. इनफैक्ट तनाजी का भी इनफैक्ट आना था बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न उनका वीज़ा का कुछ इशू हुआ और वो फ्राइडे को पहुँच रही है. दुर्भाग्यवश हमारा हम इनफैक्ट कर नहीं पा रहे उनके साथ तो फ्राइडे की लड़ाई भी नहीं.